नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक्स सीरीज में जहाँ पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट एच की आर 200 वी टू की तरफ से है सबसे पहले इसे पिछली बार की एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया गया था और एक रोटरी विंग ये होने वाला था जिसे कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए और हाई एल्टीट्यूड में लॉजिस्टिक को सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था इसे डीआरडीओ और आई कानपुर की तरफ से जॉइंटली डेवलप करने का फैसला किया गया था और इसे एक फ्लाइंग म्यूल की तरह बनाने का प्लान किया गया था जिस तरीके से आर्मी की तरफ से कुछ रोबोटिक म्यूल को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया गया था जिनको लॉजिस्टिक को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ठीक वैसे ही इसको एक फ्लाइंग म्यूल की तरह इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया था अभी बताया जा रहा है कि एच की तरफ से फाइनली अपनी आर यू वी टू हंड्रेड की प्रोटोटाइप्स को असम्बल करना स्टार्ट किया जा चुका है इसे खास करके हाई अल्टीट्यूड रीजन में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था और खराब वेदर कंडीशन में भी ऑपरेट करने के लिए बनाया जा रहा था जिस वजह से ये विंटर में भी लद्दाख में ऑपरेट कर पाएगा बाकी किसी ड्रोन की तरह इसमें बैटरी नहीं बल्कि एक एक्चुअल इंजन को इस्तेमाल किया जा रहा है जिस वजह से इसकी रिलायबिलिटी और एंडोरेंस सेम स्टैंडर्ड की बाकी किसी भी बैटरी ऑपरेट ड्रोन के मुकाबले बेहतर होने वाला है एच की तरफ से इसकी जो बेसिक स्पेसिफिकेशन को बताया गया था उसके मुताबिक ये ये भी 200 हंड्रेड के आसपास की वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है इसका इंडोरेंस लगभग तीन घंटे तक होने वाला है और ये छह हजार मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है जिस वजह से ये मोस्टली लद्दाख रीजन में ऑपरेट कर पाएगा इसके अलावा ये माइनस डिग्री से लेकर प्लस डिग्री तक के टेम्परेचर में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है जिस वजह से इसको लद्दाख के अलावा राजस्थान के सेक्टर में भी डिप्लॉय किया जा सकता है और अभी इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को इसी साल के अंदर ही करने की प्लानिंग किया जा रहा है अगला अपडेट तेजस एम के टू की तरफ से है, जिसे अभी 2026 तक तैयार करने की प्लानिंग की जा रही है वैसे भी अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन से लगभग दो से चार साल पीछे ही चल रहा है और इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग नाखुश भी हैं लेकिन इस बीच इसको लेकर कुछ और खबर सामने आई है पिछले महीने इसको लेकर एच की तरफ से और एडी की तरफ से बताया गया था कि अभी इनकी एक्चुअल प्रोटोटाइप को बनाना स्टार्ट किया जा रहा है और 2025 के अंत तक तेजस एस के टू की पहली प्रोटोटाइप को तैयार कर लिया जाएगा

और एडी की तरफ से भी तेज एम के टू में कोई भी इम्पोर्टेड रिफिलिंग प्रोप का इस्तेमाल करने के बदले इंडिजिनस रिफिलिंग प्रोप को इसमें इस्तेमाल करने का फैसला किया गया जिसको अभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी साथ मिलकर डेवलप करने का ऑप्शन रखा गया है अब चल सिर्फ इस रिफिलिंग प्रोप को तेजस एम के टू तक ही सीमित रखना नहीं चाहता है बल्कि सेम रिफिलिंग प्रॉप को आगे चल के एम का और टू एन इंजिन डेगवेस्ट फाइटर जैसे एकराब में भी इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है और ये ग्री ट्रैकेबल सिस्टम होगा जिस वजह से जब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा तब इसको रिट्रैक्ट कर दिया जाएगा जिससे ड्रैग कम होने के साथ साथ एकराफ्ट की फ्रंटल आरसीएस भी थोड़ा कम हो जाएगा और ख़ास करके टेक्नोलॉजी एमका के लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है और आमतौर पर एकराफ्ट के किसी भी पार्ट के बदले रिफिलिंग प्रॉप का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत ही कम होता है और सिर्फ इनको मिड एयर में रिफिल करते वक्त इस्तेमाल किया जाता है जिस वजह से हमेशा इसको बाहर रखना कोई लॉजिक की बात नहीं बनता है उस वजह से अभी तेजस एम के टू के बाद बनने वाले सभी एकराव में फिक्सड रिफिलिंग प्रोप का इस्तेमाल करने के बदले रीट्रैकेबल प्रोप का इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया जा रहा है लेकिन इनिशियली अभी तेजस एम के टू की जो प्रोटोटाइप बनाए जाने वाले उन सभी में कोभाम की प्रॉप का इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन आगे चल के जब इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा तब इसमें इंडिजनस प्रॉप का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जाएगा अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है डीआरडीओ की तरफ से भी आने वाले 21 और 24 तारीख के बीच एक बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक नौतम मॉर्निंग को इशू किया गया इस वार्निंग को करीब 980 किलोमीटर के एरिया के ऊपर इशू किया गया जिसमें जरूर किसी लॉन्ग रेंज की मिसाइल की टेस्टिंग होने की उम्मीद किया जा रहा है कुछ का मानना है कि शायद कोई मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है जिसके टेस्ट को अभी करने का प्लान बनाया गया या फिर डी आर की तरफ से डेवलप किए जाने वाले इंडिजनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल भी हो सकती है लेकिन जब तक डीआरडी की तरफ से एक्चुअल टेस्ट को कंडक्ट नहीं किया था और प्रेस रिलीज को इशू नहीं किया था तब तक ये बता पाना संभव नहीं है कि कौन सी मिसाइल की टेस्टिंग एक्चुअली वहां पर किया जा रहा है और ये तब तक वहां पे सीक्रेट रहने वाला है इस बीच हमको ये भी सुनने को मिला था कि डियाडो की तरफ से अग्नि प्राइम की तरह एक नेक्स्ट जनरेशन की बलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है जिसकी टेस्टिंग को करने का प्लान किया जा रहा है और इस बीच दो बार ऐसा हुआ था जिस दौरान डियाडो की तरफ से ऐसे ही नोतम मॉर्निंग को इशू करके टेस्ट करने को पोस्टपोन कर दिया गया था अब इसका एक्चुअल कारण क्या था यह भी बताना संभव नहीं है कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना था कि पिछली दो बार जब भी डीआरडीओ की तरफ से न्यूतम वार्निंग को इशू किया गया और कोई भी लॉन्ग रेंज मिसाइल को टेस्ट करने का प्लान किया गया तभी चाइना की तरफ से जो रिसर्च वेसल थे वो इंडियन ओशन रीजन में एंटर कर गए थे और मलदीव तक भी वहाँ पे आ गए थे और इसी वजह से अगर कोई नई टेक्नोलॉजी को हम टेस्ट करते हैं उसके बारे में वो जानकारी हासिल कर सकते हैं इसके बाद एक और ऑप्शन ये बताया जा रहा है की शायद जिस भी मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली थी उसमें कोई प्रॉब्लम सामने आ गया होगा या आमतौर पर इसको पूरा नहीं बनाया होगा जिस वजह से टेस्ट को पोस्टपोन किया गया था लेकिन अभी ये जो वार्निंग इशू किया गया है ये शायद वही मिसाइल की टेस्टिंग हो सकती है जिसको पिछली दो बार टेस्ट करने के लिए वार्निंग देकर पोस्टपोन किया गया था और ये किस सीक्रेट मिसाइल की टेस्टिंग अभी डियाडो की तरफ से करने की प्लानिंग किया जा रहा है ये आने वाले समय जाके पता चलने वाला है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरा